इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो सकती है? अब तुम मेरे को कपड़े दिलाना सरोजनी में। हमने टिकट लिया सरोजनी का और मैंने एग्जिट कर दिया। जब पेमेंट नहीं हो रहा और भैया इधर देख रहे हैं, हो गया भैया पेमेंट हो गया। मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए के 3 भैया कहते हैं भैंस हमें लूट रहे हो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे 50 नहीं चाहिए। आज दिन खराब, मैटर में भी हमारी लड़ाई होने वाली थी। तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होने दिन। इशरत और आपके साथ सो फैमिली, मैं अभी आया हूँ अपने फ्रेंड के घर। ये नीचे बैठी है और दूसरा ये इनका घर है। ये बहुत प्यारा घर दिखाता, पहले घर दिखाता। अरे बहुत अच्छा घर है, मत दिखाओ। इतना अच्छा तो है यार, बहुत भाषण बना रहा है। ये ना मेरे को ये शूज नहीं लगाने दे रहे क्योंकि इसका हाइट छोटा दिखेगा। बोल चुप। फिर भी मेरे से छोटी लग रही थी तुम शूज में। ओ प्लीज। तो अभी अपन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? सरोजनी के कपड़े पहन के मैडम जाती डिस्को। जैकेट बड़ी सही लग रही है, किसकी मांगी है? सारे कपड़े तो इनके पहने हुए इसने। अच्छा चलो चलो, नहीं नहीं उसके कपड़े हैं। अपन निकलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। ओ लिफ्ट, अच्छा ये बता रहे कि लिफ्ट है यहाँ पे। घर तो दिखाने, लिफ्ट दिखा देता हूँ। कहाँ पे उसका बटन? खाना पका के रखो आज आपके घर पे डिनर। वो लिफ्ट तो खतरनाक है इनका। बाय। आप दिल्ली आके बाद में टाइम टेबल का पता ही नहीं लग रहा कुछ भी। टाइम हो रहा है। ओए हमारा लिफ्ट अटक गया है। नहीं अटक गया है। कुछ नहीं अटका है। अभी हम जाता है। हम गलत में आ गया। गलत में आ गया। स्पीक इन ओके ओके। We have to go to parking. Your English is so low as mine. तेरी इंसान हमारा लगती है। छोटी सी है अभी, बड़ी है। ऐसे पकड़ के ना। साले कुत्ते। चलो चलो। बाबू ये खोला था। बाबू। Sorry sorry. विनोद इसको खोलो। क्या पता इन बच्चों को यार। हम जाने वाले थे 11 बजे, अभी 4:26 हो रहा है। 4:26 हो रहा है यार, 5:26 में पहुंचेंगे। एक तो भाई दिल्ली में आके ना पता नहीं लगता, दिल्ली गुरुग्राम में मैं रहता हूँ, गुरुग्राम में हूँ। पैसे तो कैब में गए हमारे। मेरे तो सारे पैसे कैब में गए, सच बताऊँ तो यार। अपने पंजाब में क्या है कि अगर अपन 6 किलोमीटर भी चलते ना तो लाइक बहुत ज़्यादा दूर लगता है अपन को, है ना। यहाँ पे भाई साहब 1.5-1.5 घंटा 2-2 घंटा ना ट्रैवल में लगा देते हैं हम, और वहाँ पे आधे 1 घंटे में तो जलंधर पहुँच जाता है लुधियाना से। हाँ 2.5-3 घंटे में तो अमृतसर। पंजाब में अमृतसर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो भी नॉर्मल है, 1.5-2 घंटा ट्रैवल करना तो एकदम नॉर्मल है यार, पता नहीं कैसे नॉर्मल है। माँ के वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे। क्यों किस जमाने को यार? तो झूठ क्या बोला इसमें? रुको और लेने पर सर। मेट्रो से जाना है ना हमने? हाँ। चल चलिए। तुमको मेट्रो में जाना आता है? हाँ मेरे को नहीं आता मेट्रो में, कसम से नहीं पता। लो बताओ। ये दिखा ना, ये स्कैनर को ढंग से करना स्कैन। अबे यार सीन हो गया, हमने टिकट लिया सरोजनी का और मैंने एग्जिट कर दिया, मुझे पता ही नहीं अभी टोकन कैंसिल हो गया। इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो सकती है? थोड़ा ना देख के जाना पड़ेगा। हंस ले बेटा हंस ले। भाई हमने ना उधर से एंट्री करा और मैं सीधे एग्जिट हो गया यार। और ये दांत फाड़ रही है और मेरे को लगा बेचारी कौन सी लाइन पकड़नी है भाई? दो लाइन चेंज करना है, येलो लाइन है। हाँ। हमको ब्लू लाइन पकड़ना है, गार्डन में हम लोग को चेंज करना है। हाँ। हाँ। क्या इसको आज एक मौका मिल गया मेरी बेइज्जती करने का? अगर सोच मेट्रो में भीड़ हुई फिर क्या कर लेंगे यार? मैं दे दूंगा पैसे। हंसी क्यों जब मैंने बोला मैं दूंगा पैसे? येलो लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 3। भाई साहब चक्कर आ गया, इसको भी चक्कर आ रहा है, मेरे को भी चक्कर आ रहा है यार। मैं बहुत सारे खेल, ये कहते हैं कि मेरे मामा भी इसमें ही हैं, मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तेरे को प्रोटेक्ट करने आए हैं। हमारी फोर्स कहाँ गई? मैंने उनको थोड़ा छुट्टी में भेजा अभी। तुम्हारी छुट्टी नहीं करके क्या शुक्र करो? तो लाइट भी नहीं है। लास्ट मेट्रो में तो लाइट थी यार, पता लगता था हम कहाँ कहाँ हैं। यहाँ पे दो नालायक एक साथ पड़ गए। मैं तो फिर वीडियो को ये ज्यादा नालायक है। भाई जब मैं एग्जिट हो रहा था वहाँ से तूने रोका क्यों नहीं? तो रोका छोड़ो। तुम इतना कॉन्फिडेंटली गए हो, अभी हमने यहाँ से पकड़ना है दूसरा मेट्रो पिंक लाइन। तुम्हें तो भाई कितने टाइम से दिल्ली में रह रही हो तुम? बट मैं कैब से जाती हूँ ना, तो इस जब मैं आया तब कैब क्यों नहीं करा? जब से मैं हूँ भाई मेट्रो में घुमाई जा रही है। झूठा, कैब में भी घुमा, घूम घूम के पैसा खत्म हो गया, मुझे फ्लावर्स दो।
नहीं चलना पड़ता है तुम्हें, पता नहीं बुद्धू। तो ये लात कहाँ से आ रही है? तो पिंक को पकड़ कर पीछे दे। ये क्या सिस्टम है भाई? ये तो दिल्ली एयरपोर्ट वाला सिस्टम है भाई। दिल्ली एयरपोर्ट वाला हर एयरपोर्ट में होता है तेरी भाई, मेरे जूता फंस गया था अभी अंदर, कितना ज्यादा क्राउड है यार। फाइनली इतना चल के ना अपन पहुंचे हैं पिंक लाइन। यही इतने मुश्किल से हम पिंक लाइन पकड़े थे, गलत आ गया यार, हमने ऑपोजिट साइड जाना है। बस करो, कुछ भी नहीं आता तुमको, कुछ भी नहीं आता। तुम्हें क्या आता भाई? मैं रहता हूँ दिल्ली में, बेकार है। मैं जा रहा हूँ घर, जा रहा हूँ। फालतू का लड़का बन गया यार। बोल लो भाई, गालियाँ मुझे नहीं तुम्हें पड़ेंगे अभी। आईडी में नीचे मेंशन कर रहा हूँ, रुको। एक मुक्का पड़ा ना तुम्हारे भैंस के ना, पिंक लाइन तुम बोल रही थी, पिंक लाइन पहुँच गई, टांगे ऐसे फैला के चल रही थी कि पहुँच गया करके। पकड़ दो, खुद को पता नहीं है। दोनों साइड में पिंक लाइन है, अब तुमने इस साइड लेके आया, मैं टांगे तो उधर भी जा रही है। हमारे साथ जो बाहर जाने का प्लान बनाया था ना, वो कैंसिल, क्योंकि मुझे लगता है दोबारा से अगर मैं जाऊंगी वापस इंडिया कभी नहीं आ पाऊंगी, इधर ही घूम के रह जाऊंगी। तो मैं ताड़िया मारूंगा आप। ओए ट्रेन आ गई, और ताला बड़ा ऊंचा 1+1 बोलो तो खुद को नहीं पता लगता भाई। मैथ्स में इतनी ज्यादा कमजोर है, मजाक नहीं कर रहा। तो फाइनली मैं सही जगह लेकर आ गया। 1+1 होता है, मेरे को पता है, ठीक है। भाई मैंने बोला 5+5 करती, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करती है भाई ये। वी गाइस आर अबाउट टू रीच, इसकी तबीयत खराब हो गया रात आते। हाय हाय, अब नोजी मेरे इस कपड़े में ना लगाइयो, अब इसका ही नहीं हो रहा। मजा आया। ओ भाई अभी ना तेरा यहाँ से टेढ़ा हो जाता है भाई। ब्रीड से कौन जाएगा, इधर से आ जाओ। बहुत बड़ा है ये, शायद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होगी। चाहिए होने से तू पे करना। तो मैं ही तो पे कर रहा हूँ कब से, हंसी क्यों? झूठा। अब तुम मेरे को कपड़े दिलाना सरोजनी में। हाय, मैं चलने से दिला सकता, सरोजनी से दिला सकता। ये इन्हें ना यूज कर रही हो बाइगन, मेरे को पता है मेरा नाक बंद है, सांस लेने को नहीं हो रहा, एक तो मेरे को सांस की प्रॉब्लम है। देना है, उठाना नहीं है यहाँ से। और ये ले ले अपने कान के लिए, इसके कान में एक है ही नहीं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरोज मार्केट। सुनो अपने जर्दा फेंक दो, जर्दा फेंको, जर्दा कहाँ है? जर्दा तुम्हारे जेब में। बस सच में चेक कर रहे, मतलब खाती है जर्दा ये, वो सच खाती तो है ये। लड़कियों के लिए सस्ते कपड़े बहुत है यार, कितनी बार आ चुका सरोजनी, बट अपने लिए कभी नहीं लिया। इसने झपट्टा भी मार लिया कपड़ों में, और ये अच्छा लगेगा तुम पे ये वाला। एक घंटे बाद मैडम को ये पसंद आया, नाइट सूट। इंसान सच में यार शॉपिंग करते हो सबसे ज्यादा थकता है यार। अभी जैसे अपन एंट्री करें, मैं थक गया, कम कर रहे हैं इसलिए बार्गेनिंग कर रही है। मोमेंट है जब पेमेंट नहीं हो रहा, और भैया इधर देख रहे हैं, हो गया भैया पेमेंट हो गया, देखो 100 रुपए इसने क्या टी शर्टें ली हैं, क्या बताऊं। हमारे भाई इन्होंने हमारे भी रील बनाने में मदद करी, थैंक यू सो मच भाई। okay. ओ भाई ये क्या हो गया, कहाँ भैया कहाँ गए? मत हंसो यार, ऐसे पागल हो यार। बैग ले लेते यार, एक ओए बैग लेते। रोज ने एंट्री करते ना, बड़ा बोल रही थी कि सबसे पहले तो मैं बैग लेती हूँ। ओए बे अंकल, मालदार लड़की वो है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए का 3, भैया कहते हैं हमें लूट रहे हो। मैं बोलते रहे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। तुम मना तो कब से कर रहे हो, पीछे पड़े हो सरोजनी आ गए ना भाई, खरीदवा के रहेंगे सारे। ये भी 100 रुपए भी नहीं कर रही दीदी, मैं पास ही दूंगा दीदी, बहुत कंजूस नहीं। सो यार दे दे यार, बेचारे को यार, चुप बला के यार। ये लो 100 रुपए, तो इसके दो दे रहा हूँ पैकेट के, दो पैकेट से दो दे। आप फ्री में, आप खुश हो? सच बताना, 100 रुपए का तो मैं ले रहा हूँ, आपका फायदा कितना है? 20 रुपए का। झूठ बोल रहे हैं अपने से भाई, देश में मिला। हाँ अभी क्या हुआ, मैंने सारा लिफाफे पकड़ रखे थे, उधर से भैया आए, मैं कहता बैग लेना, मैंने कहा 50 दे भी रहे थे, बट मैडम को इसको थोड़ा अच्छे वाला चाहिए था, जो कि 250 का था। भैया बोलते मैडम को, मैडम आप तो चल रहे हो, भैया बेचारे सामान लेके घूम रहे हैं, उनके लिए ला दो बैग। भाई साहब की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखो, मैडम को 50 में क्या तुम बेचती हो?
ऐसे पकड़े मेट्रो सारे कपड़े इसके ही है, मेरे एक कपड़ा भी नहीं है क्योंकि उसमें था ही नहीं हमारे लिए कपड़ा। ठीक है, मैंने इसको बोला था 50 स्वेटशर्ट्स देख लो, बट इसको लेना है H&M जा रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मैंने कब बोला भाई H&M जा रहा है, बात तो सही है वैसे। अच्छा नहीं लगेगा, सलाबे पड़े सारे। ठंड का मौसम पता है, मैं बना के ले आऊंगा भैया। खुद जबरदस्ती लेकर आया ना तू, तो खुद जबरदस्ती लेकर आ रहा है यार, खाओ का। हम बोल रहे नहीं खा लेने का, खुद से पकड़ा दिया। समझता लेट है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पागल है यार। सच बताऊंगा ना, पानी खराब था। हमने दो खाए ठीक है, तो बंदा बोलता है कितना 30 रुपए। बच्चों से बात कर रहा था मैं, अच्छे से बोल रही थी ना उसको कि भैया क्या करके आए बता ना। मुझे लगा आज तो तुम्हें पढ़ने वाला है। चल घर चल, आज दिन खराब। मेट्रो में भी हमारी लड़ाई होने वाली थी, लाइक आगे मेरे साथ घूम रही है ना, बहुत फालतू बोल रहे थे लोग यार। चाउमीन, मोमोस, पता नहीं और क्या क्या यार। हम लोग जाते ना तो हमको कमेंट पास करते थे कि लाइक चिंकी बहुत रेसिस्ट है ये लोग। गलत बात है बहुत ज्यादा यार। चलो ओए ओए ओ उसको कहां लेके जा रहा भाई, आ जा इधर, आ जा दो, क्या बोल रहे हो। पहले वो आए थे यार अंकल, आए वो पहले थे बट सस्ता, इन्होंने बोला मैं इधर आ गए। 300 के काम है, मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अंकल के लिए फील हो रहा मेरे को यार, पाप तो नहीं चलेगा। हम भी आराम, मैंने जिधर सस्ता उधर चले गए, गरीब है यार हम लोग। हमने अब जा रहे हैं हम घर। थैंक यू बोलो, शॉपिंग करवाई है। थैंक यू, तुमने करवाया, साथ हो गया। मैं निकल रहा हूँ आज रात को घर, और मेरा भांजा बेचारा रोज फोन करके बोलता है कि मामे आ जा विनोद आ जा। बाकी थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ब्लॉग्स कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज कमेंट बिलो। बाकी थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, बाय।